सबसे पहले तो मैं आसमा बहन को किताब की इशात और फिर उसकी इतनी जल्द और इतने बड़े पैमाने पर बजीराई में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम लोगों पे वैसे एक अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है और लोग ये समझते हैं कि शायद हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अलमिया ये हो गया है कि जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर ये सोशल मीडिया की वबा आई हुई है, तो उसके बाद अमलन हम साथियों का और हम मजदूरों का कलम किरदार से नाता न होने के बराबर रह गया है। और चंद लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त भी किताब भी पढ़ते हैं और लिखते भी हैं, और इसलिए इन सब कुछ के बावजूद ठीक है किसी की दुकान चंद दिन के लिए चमक जाती है, किसी की चंद महीनों के लिए चमक जाती है, लेकिन हकीकत वही है कि असर भी उन लोगों का है और दायमी तौर पर जिंदा भी वही सहाफ़ी रहेंगे कि जिन्होंने किताब से अपना नाता जोड़ा है और जिन्होंने तहरीर से अपना नाता जोड़ा है। एक तो यहाँ पे उसमें नुमाया नज़र आते हैं हामिद मीर साहब हैं, मुस्तफ़ा जावेद साहब हैं, उसदुल्ला खान साहब हैं और इस तरह के लोग हैं और भी। तो आसमां का ये कमाल रहा, वैसे तो जो उसदुल्ला खान साहब ने इनकी सियालकोटर की हैसियत से जो तारुफ की है, तो उससे लगता है कि ये जिस मैदान में भी गई तो वहाँ पे इन्होंने नंबर वन पोजीशन हासिल की। और अगर इनके पास हर फील्ड में इन्होंने तबाजमाई की भी और वहाँ पे अपने आप को मनवाया भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फिर उनका कमाल है कि आखिर में आके उन्होंने फिर तहरीर से, क्योंकि हम जितना भी चाहें ये जो स्क्रीन है या जो सोशल मीडिया है इसका बड़ा आर्जी टोर होता है और बड़े आर्जी चीज़ है ये। और क्योंकि एक तो कुरान में भी अगर अल्लाह ने कसम खाई है तो किसी टीवी स्क्रीन की हुर्मत की और किसी ट्विटर की और उसकी कसम नहीं खाई है, वहाँ पे उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम की हुर्मत की कसम खाई है। और जो लिखा हुआ लफ्ज़ है वही दायमी रह जाता है। तो ये उनका कमाल है कि उन सब का टीवी पे रह के और ट्रोलिंग सह के और मुदस्सिर जैसे मुश्किल शौहर को संभाल के भी उन्होंने उसके साथ साथ लिखा भी, और फिर लिखा भी इस तरीके से, एक तो हम जैसे लोग होते हैं जो पश्तों में उर्दू लिखते हैं, लेकिन इनका अदब पे जो कंट्रोल है। और मुझे कुछ लोगों पे रश्क आता है, जिसमें एक उसदुल्ला खान साहब हैं, एक हमारे मरहूम रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब थे, कि वो मुश्किल से मुश्किल मौजू को बड़े ऐसे अल्फाज में बयान कर देते हैं कि उससे दूसरा इरिटेट नहीं होता। या फिर हमारे नजम सेठी साहब है, उनको अल्लाह ने ये मौका दिया हुआ है कि वो गपशप में हल्के फुल्के अंदाज में वो मुश्किल से मुश्किल बात बयान कर देते हैं। मैं कोशिश के बावजूद और उनकी तकलीफ के बावजूद, शायद कबायली होने का मसला है कि मैं ये फन हासिल नहीं कर सका। तो आसमा ने भी ये कमाल उनकी तहरीर में है कि वो मुश्किलात का सामना करती रही, मुश्किल मौजूआत पे लिखती रही, मुश्किल मौजूआत पे बोलती रही, लेकिन तर्ज तहरीर और तर्ज तकरीर ऐसा अपनाती है कि जिसकी वजह से अदब के तकाजे भी वो मलहूज़ खातिर रहते हैं। और किशोर नाहिद साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, मुस्तनसर साहब ने तो उनको सर्टिफिकेट दे दिया
तो मेरे ख्याल में इन जैसे लोगों से फिर सर्टिफिकेट पाना ये कोई छोटी एजाज नहीं है जो हमारे अदीब लोग हैं और जो अदब को समझते हैं और अदब की नजाकतों को समझते हैं। फिर ये उन्होंने बड़े घर की जब कहानी लिखी है और किताब का मौजू भी ये रखा है तो अंदाजा उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन, क्योंकि वो अक्टूबर 2021 का आर्टिकल है तो बाद का थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि बड़े घर से मुराद उनकी क्या है। तो क्योंकि एक बड़ा घर उधर पिंडी में है, एक इधर हमारे करीब है, एक ये है, तो आज अगर वो फिर अपने इख्तिताम खिताब पे वासे कर दें तो बड़ी इनायत होगी। और इसके बाद मुदस्सिर को एक किताब लिखनी चाहिए कहानी अपने घर की इस जैसी खातून कि जो कादिर उल कलाम भी है और जो इतनी मेहनती भी है और इतनी बहादुर भी है, तो मुदस्सिर भाई जरा अपने घर की कहानी लिख दे कि वहां उन पे क्या गुजरता है। भड़काते रहते हैं, सारे मिलके भड़काते हैं। फिर दूसरा ये है कि देखिए मैं तो एक मामूली सा मजदूर हूँ, लेकिन जो सहाफत की मजदूरी शुरू की तो 99 में मुझे बालिबान ने अरेस्ट किया और वो जितने भी दिन गुजरे तो वो ये थे कि अभी ज़बा होना है, अभी ज़बा होना है, अभी ज़बा होना है। उसके बाद फिर पेशावर जैसे शहर में सहाफत करना और वो भी चंद हज़ार तनख्वाह, ना सिक्योरिटी रख सकते थे ना कुछ और इंतज़ाम कर सकते थे, तो बहुत मुश्किल से अखबार देखे थे हमने। लेकिन ये पिछले साल एक तो जो घुटन पिछले सालों में जो हमने फेस किया, मैं समझता हूं कि ये मेरे सहाफती जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था और उसमें मेरे लिए सबसे मुश्किल बात ये थी कि मेरी माँ को गाली पढ़वाई जाती थी। अब मैं कहता हूं कि काश मुझे मार लिया जाता, मुझे जेल में डाल दिया जाता, लेकिन वो काम मेरे साथ ना किया जाता। अब मुझे तो अपनी माँ को पढ़ने वाली गाली से इतनी तकलीफ होती थी और होती है, तो मैं हैरान हूँ कि आसमा शिराजी और इस तरह की सना बुच्छा और जो वरीदा फारूकी और जो बाकी हमारी ख्वातीन हैं और जिस तरह उनकी ट्रोलिंग की गई, जिस तरह उनकी किरदार खुशी की गई, तो पता नहीं कि इनके दिलों पे क्या गुजरा होगा और क्या गुजर रहा होगा। मैं अक्सर एक तकरा कहा करता हूँ कि अबुल कलाम आजाद ने ये कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन जब से ये इमरानी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो उसके बाद सियासत तो क्या, सहाफत की आंख में भी शर्म भी नहीं रही, वो शर्म हया से भी महरूम हो गए। तो इस दौर में सहाफत करना और फिर हवा के मुखालिफ रुख में सहाफत करना, ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जिन्होंने इसका सामना किया है। और बिल्कुल ये ऐसा है जिस तरह के पीपल्स पार्टी में रह के फरतुल्ला बाबर साहब ने इज्जत बचा के रखी है, तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि इस दौर में जिस सहाफ़ी ने अपनी इज्जत को बचा के रखा और अपने उसूलों पे कंप्रोमाइज नहीं किया, तो वो यकीनन एक उनकी बड़ी इंफिरादियत थी और आसमां भी उन लोगों में शामिल है। अच्छा, दूसरा हमारे लोग हम बाहर तो बड़े वो बनते हैं, लेकिन अक्सर खलवतों में वो फिर हमारी वो दोस्ती होती है। मुझे अभी तक याद है कि आज मैं एक रात से पर्दा उठाता हूँ कि इलेक्शन से पहले हमारे वो जो एक आर्किटेक्ट्स में से एक आर्किटेक्ट थे और जिन्होंने पहले से ये कहा था कि ये तब्दीली का साल है और फिर ये भी कहा था कि जी वो तो इस मंतशा व दूसरे को मंतशा इलेक्शन के बाद, तो उस साहब की तरफ से हमें एक ब्रीफिंग दी जा रही थी और इलेक्शन के बारे में एक लिहाज से हिदायत दी जा रही थी
और इसमें उन्होंने जिक्र भी किया है, तो आसमान ताज़ा ताज़ा नवाज शरीफ के साथ सफर के दौरान उनका इंटरव्यू किया था, तो उसमें जिन दो बंदों ने डट के उनके मुंह पे उनको सुनाई, तो उसमें एक आसमा शिराजी थी और एक गरीदा फारूकी थी। और उस दिन मर्द हो के भी मुझे इनके हौसले और गैरत पे रश आया। जिस तरह अभी पिछले दिनों एक नशिस्त थी और उसमें नसीम जहरा साहब ने जिस बहादुरी के साथ उस वक्त के ताकत के सरचश्मे के सामने मीडिया का मुकदमा रहा, तो ये इनकी एक दूसरी वो है कि इनकी खलवतों की और जलवतों की गुफ्तगू वो एक रहती है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें मजीद कामयाबियों और कामरानियों से सरफराज करे। और जिस तरीके से इस दौरान उन्होंने इन सब गालम गुरूज का, बाकी बाइकाट का और इस तरह की चीज़ों का मुकाबला किया और अपने रास्ते से नहीं हटी, तो मुस्तकबिल में भी वो अपनी इस रिवायत को बरकरार रखेंगी। और ये भी हमें तवक्को है कि जिस तरह अभी तक मुदस्सिर भाई ने उनके साथ एक ताबेदार शौहर की तरह ताउन जारी रखा है, तो मुस्तकबिल में भी वो अपने इन खिदमात में मज़ीद इजाफा करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका।